इस वीडियो में हम साईं बाबा जैसे महान गुरु को हम क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं जिससे बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जीवन सार्थक हो जाए, इसके बारे में जानेंगे। साईं बाबा गुरुओं के गुरु हैं जो अपने भक्तों के हित के लिए सदा सही मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। ये हम सारे साईं भक्तों का कर्तव्य है कि हम साईं बाबा को गुरु दक्षिणा देकर अपना जीवन सफल बनाएं। हिंदू धर्म में गुरु दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। यह सिर्फ धन दौलत ही नहीं, उससे कई अधिक माना जाता है। जिस तरह एकलव्य ने बिना प्रश्न पूछे अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था, उसी प्रकार हमें अपने गुरु से बिना कोई सवाल पूछे अपनी ओर से गुरु दक्षिणा देना चाहिए। श्री साई सच्चरित्र और बाबा की जीवनी पर अगर आप गौर करें तो हमें गुरु दक्षिणा का वर्णन मिलता है। साई बाबा कुछ भक्तों से दक्षिणा मांगते तो कुछ भक्तों के कई बार आग्रह करने के बाद भी दक्षिणा नहीं लेते। उनका यह मानना था कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से अपने सारे अहंकार, घमंड, अज्ञानता को त्याग कर मुझ पर अपना विश्वास दिखाते हैं, उसी से दक्षिणा मैं ग्रहण करता हूँ और वह दक्षिणा उनके जीवन और पूर्व जन्मों के सारे पाप को धो डालने के लिए आवश्यक होता है। बाबा सिर्फ कुछ ही घरों से भिक्षा लेते थे। इस कार्य से वे भक्तों के पापों को हर कर उन्हें आशीर्वाद देते थे। कितने भाग्यशाली परिवार थे जिन्होंने बाबा के लिए रोज भोजन बनाया और उन्हें प्यार से खिलाया। धन्य है वे लोग जिन्होंने बाबा जैसे महान संत और गुरु को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा सदैव मानव कल्याण के लिए तत्पर रहते, इसीलिए हमें जितना हो सके अन्नदान, भूखों को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को खिलाना जैसे महान दान कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बाबा हमेशा भक्तों को पारायण, ईश्वर जाप, लिखित जपम यानी भगवान के नाम को लिखना जैसे कार्य करने की सलाह दिया करते थे। साईं बाबा के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है दान। दान अन्न का हो सकता है, अपने अहंकार, घृणा, घमंड को बाबा के चरणों में अर्पण करना भी एक महादान है। आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने गुरु के दिए हुए उपदेशों का पालन करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने पास के धन दौलत को ही सब कुछ मानने लगे हैं। हम भूल जाते हैं कि मानव जीवन सिर्फ धन दौलत को अर्जित करना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना भी कमाना पड़ता है। अगर हम साईं बाबा द्वारा दिए गए उपदेशों को पूरे मन से, लगन से, श्रद्धा भाव रखकर, अहंकार शून्य होकर अपनाएं, वही बाबा के लिए गुरु दक्षिणा है। सदैव आसपास के लोगों और जीव जंतुओं को सम्मान करें और उनके हित के बारे में सोचें और अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में अर्पित कर दें। आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन कितनी सरलता से व्यतीत हो जाता है। ओम साईनाथाय नमः।